जांजगीर चांपा जिले के प्रमुख नगर अकलतरा में छत्तीसगढ़ के सबसे घटिया ओवरब्रिज में बारंबार जगह जगह पर जानलेवा गड्ढे निर्मित हो जा रहे हैं। इन गड्ढों में से ब्रिज के सरिया तक बाहर निकल दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसे देखते हुए ब्रिज में सुधार कार्य हेतु नागरिकों द्वारा सेतु निगम एवं स्थानीय प्रशासन से मांग किए जाने पर भी लंबे अंतराल से कोई सुधार कार्य नहीं किया जा रहा था। इसे देखते हुए नागरिकों द्वारा गठित की गई नगर संघर्ष समिति के संरक्षक सदस्यों की पहल पर रोड कार्य करने वाले स्थानीय समाज सेवी ठेकेदार का सहयोग लेते हुए ओवरब्रिज में निर्मित समस्त गड्ढों को सारी मशीनरी संसाधनों के माध्यम से पूरी तकनीकी गुणवत्ता को अपनाते हुए डामरीकरण भरा गया। डामरीकरण का कार्य नगर संघर्ष समिति के लक्ष्मण मुकिम, देवेंद्र जैन, नगर पालिका अध्यक्ष खुलन सोनवानी, पूर्व विधायक चुनीलाल साहू, अंकित सिसोदिया, मूलचंद लिखमानिया, राजन केडिया, अमित यादव, जयदीप सिंह, राज सिंह, अमित केडिया, ताराचंद अग्रवाल, गोविंदा बैस, निखिल मुकिम, तनवीर आलम एवं दीपक बागड़िया के विशेष योगदान से कराया गया। नगर के नागरिकों की इस अनुकरणीय पहल नगर में चर्चा का विषय बन गया। जन सहयोग से कराए गए सुधार कार्य की सभी के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। उस रेलवे के ओवरब्रिज में जगह जगह गड्ढे हो गए थे, छड़ें बाहर आ गई थी, इसके कारण स्कूटर और मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे और नागरिकों को अत्यंत असुविधा हो रही थी, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए शासकीय तौर पे इसका मरम्मत संभव नहीं हो रहा था। इसलिए सभी नागरिकों ने, खासकर कांग्रेसजनों ने, इसके लिए प्रयास किया तथा श्री दीपक बगड़िया को प्रेरित किया, उसे अनुरोध किया कि इन गड्ढों को भर के इस ओवरब्रिज की सड़क को चलने लायक बनाया जा सके। श्री दीपक बगड़िया ने हम लोगों की बात मान ली और उन्होंने उस ओवरब्रिज के रास्ते को चलने लायक बना दिया है। हम खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आम नागरिकों की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे भविष्य में भी ये आशा करते हैं कि जनहित के कार्यों में उनकी भागीदारी बराबर बनी रहेगी, यही हमें उनसे आशा है।